हेलो दोस्तों, शेखर सर की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि नए कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज आपके बन गए हैं और कितने वर्तमान में संख्या उनकी हो चुकी है। राज्यों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कौन सा स्टेट कौन सी जगह पर भारत के नक्शे में। आज हम जानकारी लेंगे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ उत्तर में बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे नक्शे में कि ये आपका है अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान की सीमा यहाँ कश्मीर में इस जगह पे भारत से लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है भाई इस जगह पे? 106 किलोमीटर की। कितने की भाई? 106 किलोमीटर की, ठीक है, जो कि सबसे कम है बाकी देशों की तुलना में। दूसरा हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है, 3,323 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है पाकिस्तान से, ठीक है। इस तरह से ये पाकिस्तान से बनती है। इसके बाद बात करते हैं चीन की, तो आप चीन को देख रहे होगे, तो चीन की सीमा है वो यहाँ से शुरू होती है इस तरह लगती हुई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और फिर ये यहाँ पर बीच में नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ थोड़ा सा सिक्किम आपका, उसके बाद भूटान के बाद वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये चीन की सीमा लगती है, लगभग 3,488 किलोमीटर। उसके बाद बर्मा या म्यांमार की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर। यहाँ भूटान की बात करते हैं तो भूटान 600 आपका 99 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों से यहाँ से लगता है। और ये है आपका नेपाल, ये नेपाल, तो नेपाल का उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कुछ स्टेटों से यहाँ से लगता है। क्लियर? तो आपको ये स्टेट दिख रहे हैं कि कौन, मतलब आपको ये देश दिख रहे हैं कौन कौन सी जगह पे अपने टच कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी मुल्क आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका अफगानिस्तान, ठीक है, 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, सबसे कम लगता है स्थल से हमारा इस जगह पे। दूसरा आपका पाकिस्तान, जो कि 3,323 किलोमीटर लगता है इस जगह पे, ये सीमा है, ठीक है, गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक। तीसरा आपका चाइना, तो चाइना आपका यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, लगता हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम से, और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश से, इस तरीके से लगता है। फिर आपका नेपाल आता है, तो नेपाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड हुआ, और बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, तो इस जगह पे लगता है, लगभग 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक। और फिर आपका होता है ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आपका क्या है स्थल हमारा जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से, लगभग 4,096 किलोमीटर। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो इससे लगा हुआ क्षेत्र जो है आपका, वो आपका कौन सा है, ये म्यांमार का ये वाला क्षेत्र, तो 1,643 किलोमीटर, 1,643 किलोमीटर। तो इस स्थल से लगने वाले ये आपके ये एक पड़ोसी देश थे। दो आपकी और कंट्री हैं जिनमें से एक बात करते हैं, श्रीलंका। तो श्रीलंका पाक जल संधि बीच में यहाँ पर है, तो पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है भारत से। और एक और यहाँ पर है मालदीव, ठीक है, तो दो कंट्री ये हो गए। तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा आपका चाइना, ठीक है, छठवा आपका नेपाल, सातवा आपका भूटान, और आठवा आपका बांग्लादेश, और नौवा आपका म्यांमार, ठीक है। तो नौ पड़ोसी देश थे। लोकेशन आपको क्लियर की, किसका कितना बॉर्डर लग रहा है वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश से लगता है, सबसे कम आपका अफगानिस्तान से लगता है। दो कंट्री ऐसी जिनसे लगता नहीं है, जो कि जलीय सीमा से अलग होते हैं, उसमें एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। चलिए स्टेटों की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं और कौन कौन से राज्य से, मतलब हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो लगते हैं, वो देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, वो हमने आपको अभी दिखाई नहीं है, वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो आप देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है और हमारे राज्यों की स्थिति क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये वाला जो राज्य है ये कौन सा राज्य है जहाँ पे मैंने स्पॉट किया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये वाला कौन सा राज्य है जहाँ पे फिर से मैंने स्पॉट किया, यह पंजाब, ये वाला कौन सा है भाई, ये आपका राजस्थान, और ये वाला कौन सा है आपका,
ये वाला आपका गुजरात। तो आप देख रहे होगे एक दो तीन और चार, इस चार राज्य लग रहे हैं यहाँ पर। कौन सा आपका? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान से चार राज्य लग रहा है। कौन कौन से आपके? जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, ठीक, उसके बाद राजस्थान और आपका गुजरात। ठीक, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये चार स्टेट लग रहे हैं किससे आपके? पाकिस्तान से। ठीक, इसको अपन वैसे ट्रिक के थ्रू भी याद कर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं उनकी ट्रिक क्या है, पंगू राज। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिखाया गया पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं आपके, और उसकी शॉर्ट ट्रिक पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो पंगू राज आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन, अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि भाई जम्मू कश्मीर के ऊपरी सिरे पे थोड़ा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान का यहाँ पर। ठीक है, 106 किलोमीटर की डिस्टेंस है वहाँ पे लगता है। तो सिर्फ एक ही स्टेट आपका बनता है, कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो अफगानिस्तान से लगता है। ठीक है, और अब इसके बाद अपन लेते हैं अगला, चीन। तो चीन की बात करते हैं, तो हम जानते हैं चीन कहाँ पर है। इस जगह पे चीन है, ठीक है, ये आपका चाइना है। तो चाइना का जो बॉर्डर है आपका ये जम्मू कश्मीर से लगता है पहले तो, ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, ये आपका उत्तराखंड आ गया, इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। नेपाल के बाद यहाँ पर छोटा सा आपका क्या है भाई? सिक्किम है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य यहाँ पर हो गए आपके? एक तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा आपका हिमाचल, ठीक है, और तीसरा आपका उत्तराखंड, चौथा आपका सिक्किम। ठीक है, तो चार राज्य याद रखिए पहले तो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और आपका सिक्किम। ठीक, इसके बाद और भी राज्य ये आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेवन सिस्टर्स हैं उसमें से भी रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका भूटान, उसके ऊपर यहाँ पर लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश लग गया। तो ये जो राज्य थे वो कौन से थे भाई आपके? चीन से लगने वाले, जिनमें नाम था सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन याद रख सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप चीन से लगने वाले जो स्टेट हैं उनसे, देखें चाइना से लगने वाले, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि चीन, तो सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर। तो सुहाग से आप याद रख सकते हो सुहाग, ठीक है, तो वह जाको से जी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका सुहाग। तो सुहाग से याद रखेंगे कि चाइना से लगने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, और वैसे आपको लोकेशन क्लियर होगी तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन नेपाल की, बात कर लेते हैं। तो नेपाल कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका नेपाल है इस जगह पर, और ये आपकी क्या सीमा लग रही है नेपाल से, इस जगह पर आपका ये नेपाल है। तो आप देख रहे होगे कौन कौन सा स्टेट लग रहा है नेपाल से। तो नेपाल से सबसे पहले तो ये आपका कौन सा है? यूपी। ठीक है, ये आपका कौन सा है? बिहार। ठीक है, ये आपका कौन सा है? बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और एक ये वाला स्टेट है, ये कौन सा है अभी आपका? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, और एक छोटा सा ये आपका देखो यहाँ पर, ये आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है। तो ये जो स्टेट है वो लगते हैं किससे आपके? नेपाल से। कौन कौन से एक बार फिर देख लीजिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बंगाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका यूपी हो गया और ये आपका उत्तराखंड हो गया। तो ये जो स्टेट हैं वो आपके लगते हैं नेपाल से। ठीक है, क्लियर है। इसकी ट्रिक भी आप देख सकते हैं, दतिया में अब्बास का ढाबा है उसी से बनाई हुई है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये नेपाल से लगने वाले यू फोर उत्तर प्रदेश, बी फोर बिहार, बी फोर बंगाल, यू फोर उत्तराखंड और एस फोर सिक्किम। तो अब्बास, ठीक है, या अब्बास। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं अभी अपन, अगला है अपना भूटान। छोटा सा ही पड़ोसी देश है यहाँ पे, आप देख सकते हो इस जगह पे आपका ये पड़ोसी देश है। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो लगते हैं आप देख सकते हो। एक तो आपका हो गया सिक्किम, ठीक है, एक आपके कौन सा हो गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये सिक्किम हो गया। ठीक है, और एक आप देख रहे हो गए यहाँ पे ए फोर असम, ठीक है, और ए फोर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो सीधा सा आप देख रहे हो गए सांप, सांप जानते हो ना। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है,
इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट आपके भूटान से लगते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गए भूटान से लगने वाले हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लिख के भी हमने आपको बताया हुआ है कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं जो लगते हैं आपके भूटान से। सिक्किम, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल, ये लगे हुए हैं आपके किससे? भूटान से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, म्यांमार की बात करते हैं, बर्मा। तो बर्मा कहाँ पर है आपको ये क्लियर होना चाहिए, बर्मा है इस साइड। तो ये इस साइड ये सीमा लगेगी किससे भाई? आपके बर्मा से। ठीक है, अब थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से स्टेट है, वो देख लीजिए यहाँ पर। तो आपका सबसे पहले जो स्टेट आता है ये वाला, ये आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा स्टेट ये आता है, ये आपका आता है भाई नागालैंड। तीसरा आपका आता है भाई मणिपुर। और चौथा आपका आता है मिजोरम। ठीक है, तो ये चार स्टेट हैं आपके, ये चार स्टेट लगते हैं किससे भाई? आपके म्यांमार से। तो म्यांमार या बर्मा की बात करी है अभी अपन ने, उसमें लगने वाले जो स्टेट हैं वो हमने आपको बताए, क्लियर कर देते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको दिख रहा होगा अरुणा मामी, तो आप देख रहे होगे अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, अरुणा या ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश देख लेते हैं अपन। बांग्लादेश कहाँ पर है आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके हम बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। तो ये आपका बांग्लादेश की सीमा ये लग रही है आपको। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा राज्य आपका मेघालय है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके लगते हैं बांग्लादेश से, वो देख लेते हैं अभी अपन, बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपके बंगाल ही लगता है ये वाला स्टेट, यह है बंगाल। ठीक है, दूसरा आपका है भाई मेघालय, तो यहाँ पर है आपका मेघालय, खाली जगह पे मेघालय। ठीक है, तीसरा आपका है भाई असम, ये आपका असम है भाई असम। ठीक है, चौथा आपका है भाई त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है, T4 त्रिपुरा। और पांचवा आपका ये आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके स्टेट थे जो किससे लगते हैं आपके? बांग्लादेश से लगते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर मेघालय, एक यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, एक आपका यहाँ पे असम, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा, ये आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके स्टेट लगते हैं किससे? बांग्लादेश से लगते हैं। और इसको अपन याद रख सकते हैं, बगल में ATM। ठीक है, ये देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, बगल में ATM, ये नीचे की तरफ बताई हुई है, देख ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बगल मतलब बंगाल, मैं मतलब मेघालय, ए मतलब असम, T4 त्रिपुरा और M4 मिजोरम। ठीक है, ये आपके लगता है किससे? बांग्लादेश से। तो ये आपके क्या है, सारे राज्य मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्लियर कर दिए हैं। और ये जो नोट्स प्रिपेयर मैंने किया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने स्थिति आपको क्लियर की है। एक तो ये क्लियर किया हुआ है कि साहब कौन कौन से पड़ोसी मुल्क हैं जो स्थल से लगते हैं या जलीय सीमा से लगते हैं। टोटल पड़ोसी आपको मैंने बताए 9 पड़ोसी अपने हैं, उसमें से 2 आपके जलीय सीमा से अलग हैं और बाकी के 7 आपके स्थल से लगे हुए हैं। कौन कितने बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो बाउंड्री की बात करें तो इसकी बात करते हैं अपन, स्थल से लगने वाले जो स्टेट है वो मैं आपको बता दूँ। और बढ़ने से घटते हुए क्रम की मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसकी लगी है, फिर उससे कम किसकी, उससे कम किसकी, और सबसे कम किसकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रिक देखते हैं भाई। ये आपका बना हुआ है ट्रिक, मैंने लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट करके मैं आपको बता देता हूँ इस जगह पर। ये तो बचपन MBA, बी से बांग्लादेश, तो सबसे ज़्यादा किससे? बांग्लादेश। फिर 4 से चाइना, दूसरे नंबर चाइना। फिर तीसरे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पांचवे पे म्यांमार, छठवें पे भूटान और सबसे कम किस पे? अफगानिस्तान। तो ये घटते क्रम में आपकी सीमा मैंने यहाँ पर बताई हुई है ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे ज़्यादा किससे लगती है अभी? बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। सबसे कम किससे लगती है अभी? अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको पड़ोसी देश आपको क्लियर कर दिए हैं, आपके पड़ोसी देश से लगने वाले जो स्टेट हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और लोगों से ज़्यादा लोगों से बोलिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहें और नोटिफिकेशन हमारा आपको मिलता रहे, आप देखते रहें, ठीक है। तो ज़रूर देखते रहिए। आगे मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि भाई उनके लिए सवेरे नहीं होते जो कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं।
उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। ये डेडिकेट किया हुआ है मैंने कथन इसरो के लिए। इसरो ने तथ्य कारनामा भी किया हुआ है, 95% अपना काम कर दिया है और जो लैंडर है वो संपर्क टूट चुका हुआ है, फिर भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप है, लगातार 10 सालों से काम कर रहे थे वैज्ञानिक, 250 से अधिक वैज्ञानिक लगातार 16 घंटे पढ़ाई करके अध्ययन करके उसको प्रैक्टिकल रूप में अंजाम दिया, तब जाके चंद्रयान 2 उन्होंने बनाया। और फिर इस तरीके से वो अंतिम क्षणों में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 69 सेकेंड से रह गया। तो हार नहीं मानी है उन्होंने और वो लगातार फिर से लग गए हैं कि हम फिर से कामयाबी का मतलब जो शिखर है वो छू के रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से भी यही मैं विनती करता हूँ, आप भी हार मत मानिए जीवन में और लगे रहिए, पुराने समय को भूल जाइए और एक नई शुरुआत करिए। नमस्कार, धन्यवाद।